फटाफट फड़ से जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं जल्दी से एक बारी से वीडियो के लिंक को कर देंगे और जल्दी जल्दी सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन का। चलिएगा का, अंजलि हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं वेरी गुड इवनिंग ज्योति हमारे साथ आ चुके हैं अंजलि राज वेरी नाइस राघो शिवा बहुत खूब रोली हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है वेरी गुड इवनिंग एवरी वन श्रेया त्रिवेदी हेलो कैसे हैं आप श्रेया क्या हालचाल है आपका चलेगा सो so, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत राम राम और बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की जहाँ पे हम कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे कुछ बढ़िया से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को बेसिकली हम जो है कवर करने वाले हैं तो चलेगा फटाफट से एक बारी से मुझे बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की ठीक है भाई चलिए कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी तो बताइएगा आई डोंट थिंक यहां तक कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए चलेगा सेशन so करते हैं सेशन की शुरुआत और इसी के साथ हम लोग बढ़ाएंगे आज की कहानी को आगे की तरफ एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्क्रीन चलिए

तो जो ईडब्लू एफ वाला पार्ट हुआ करता था उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ घूमे होते हैं तो डेली है, बच्चे कहते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे ठीक है तो उसके चारों तरफ वो जो कलर बेंड होते हैं वो किस चीज के होते हैं और क्यों होते हैं ये आपको बताना है चलो जल्दी से कौन बताएगा वॉट विल बी द रीजन बताइए आंसर क्या होगा आपको आंसर बताना है चलो देखो टॉलरेंस लेवल बताता है पावर ऑफ टेन बताता है या फिर टोटल वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस या फिर द मेटीरियल ऑफ द रजिस्टर ये रजिस्टर के मेटीरियल को डिफाइन करता है चलिए मैम आपका फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है मैम आप फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है मेरी फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है <laughs> कौन से लाइन का? कर, सी फाइन सर साथ जाते हुए जल्दी से देखो अगर हम बात करते टॉलरेंस छोटे -छोटे 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 लेवल को डिफाइन करता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि भाई इस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस लेवल क्या है ये कितने रेजिस्टेंस को टॉलरेट कर सकता है रेजिस्टेंस को टॉलरेट करने का मतलब क्या होगा कि भैया कितना रेजिस्टेंस कितना रेजिस्ट कर सकता है या फिर ये कितनी हीट को टॉलरेट कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन द फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवॉइड ऑफ द कॉर्पसल्स इज कॉल्ड एस ब्लड का एक ऐसा पार्ट अगर सेल्स को हटा दिया जाए अगर आप कोशिकाओं को हटा दें रक्त के द्रव भाग को जो कोशिका रहित भाग होता है उसको क्या कहा जाता है उसको आपका टिश्यू फ्लूड के नाम से जाना जाता है प्लाज्मा सीरम या फिर अगर हम लिम्फ की बात करते हैं यानी कि कोशिकाओं को अगर छोड़ दिया जाए कोशिकाओं को हटाकर जो ब्लड का पार्ट होता है दैट इज नॉन एस अच्छा चंदन कुमार जो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा आप लगभग ये मान के चलेगा एक से डेढ़ साल के अंदर का तो आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है ओके एक से डेढ़ साल के अंदर का तो आप लोगों को करना ही करना है करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज एज द प्लाज्मा इसको कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा यानी कि अगर मैं रक्त प्लाज्मा की बात करती हूं यहां पे ना आप लोग एक पॉइंट देखिएगा देखो अगर हम ब्लड की बात करें अगर मैं रक्त की बात करती हूं तो जो रक्त की कंपोजिशन होती है जो ब्लड की संरचना होती है बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है ब्लड का लगभग जो पचपन हिस्सा होता है अगर मैं पचपन प्रतिशत हिस्से की बात करूं ब्लड के ये क्या कहलाता है जो 55 परसेंट पार्ट होगा इस पार्ट को हम क्या कहते हैं दैट इज नॉन एज ये लिक्विड पार्ट होता है और इसके बाद जो बचा हुआ 45 प्रतिशत हिस्सा होता है हमारे रक्त का वो ठोस अवस्था में मिलता है हमें वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है पैंतालीस हिस्सा जो है हमारे रक्त का वो हमेशा सॉलिड यानी कि अगर मैं बात करती हूँ ये हमें ठोस अवस्था में मिलता है एक चीज देखिएगा ये जो 55 प्रतिशत हिस्सा है इस 55 प्रतिशत प्रतिशत तरल भाग को हम क्या कहते हैं दैट इज नॉन एज द ब्लड प्लाज्मा इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आपका ब्लड प्लाज्मा और ये जो सॉलिड पार्ट है इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं हम इसको कहते हैं ब्लड सेल्स सेल्स या फिर इस पार्ट को हम कोशिका के नाम से जानते हैं ठीक है आपसे पूछ ली जाए कौन कौन से रक्त कोशिकाएं हैं जो कि पाई जाती हैं तो सबसे पहले एक तो आती है आपकी आर एक आती है आपकी अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं और जो थर्ड वन दैट इज द प्लेटलेट्स तीसरी कौन सी आती है तीसरी आती है आपकी अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करती ठीक है? थ्री सेल्स ये तीन प्रकार की सेल्स होती हैं, ये तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ओके okay? इसके बाद अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो देखो ब्लड प्लाज्मा का जो 90 परसेंट पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से मिलकर के बना होता है अप्रॉक्सीमेटली सेवन परसेंट के आसपास प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ लगभग आपका दो, दो प्रतिशत के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करती हूँ दो से तीन प्रतिशत के आसपास आपके एंजाइम्स आ जाते हैं मिनरल्स आ जाते हैं ठीक है दो से तीन प्रतिशत के आसपास क्या है आते हैं आपके है? है मिनरल्स आते हैं मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं और लगभग एक प्रतिशत के आसपास आ जाते हैं आपके सोल्ट आ जाती हैं यानी कि लवन आ जाती है अब एक चीज मेरी बड़े गौर से और बड़े ध्यान से आप लोग सुनोगे यहाँ पे डिवाइड ऑफ सेल पूछा गया है अगर कोशिकाओं को छोड़ दो कोशिकाओं को छोड़ करके जो बचा हुआ पचपन प्रतिशत हिस्सा है ये क्या कहलाता है ये लिक्विड कहला, ये लिक्विड ये पार्ट जो है ये प्लाज्मा कहलाता है ठीक है अब आपसे पूछ ले प्लाज्मा का भी ठीक है भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम प्लाज्मा की बात करें प्लाज्मा का कौन सा पार्ट है ये <laughs> देखो अगर प्लाज्मा का बेसिक बेसिकली अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा का ये जो नब्बे प्रतिशत हिस्सा होता है प्लाज्मा का ये जो 90 परसेंट पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं दैट इज नॉन एज द सीरम सिर्फ वॉटरिश पार्ट ऑफ द प्लाज्मा इज नॉन एज सीरम। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कई बार कंफ्यूजन होता है लिक्विड पार्ट को ही क्या कह देते हैं लिक्विड पार्ट को ही सीरम कह देते हैं बिल्कुल नहीं जो 90% परसेंट वॉटरिश पार्ट होता है दैट इज नॉट एज दैट इज नॉन एज सीरम ठीक है समझे बात को हा या ना बताइए ठीक है चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी सो so, हम लोग बात करेंगे आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए टिश्यू फ्लूड प्लाज्मा सीरम या फिर लिम सो आंसर विल बी प्लाज्मा आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा प्लाज्मा ठीक है मैम नहीं आज विक्रम अजीत सर पढ़ा रहे थे क्या हुआ भाई कौन नहीं पढ़ा रहा था क्या इश्यू हो गया है चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज जो साइकिल का चक्का होता है साइकिल के चक्के के व्हील का मोशन कैसा होता है रैक्टिलीनियर होता है ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी होता है रोटेटरी होता है या फिर ट्रांसलेटरी होता है सोच ट्रांसलेटरी और रोटेटरी होता है देखो ये तो रोटेटरी हो गया बार 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 रोटेट करता है और तब तो साइकिल का पहिया आगे बढ़ता है ये कौन सा हो गया आपका या आपका ट्रांसलेटरी हो गया तो दोनों होते हैं ट्रांसलेटरी भी होता है और रोटेटरी भी होते हैं यानी कि अनुवादक और घूर्णन दोनों तरह का मोशन होता है अगर हम साइकिल के पहिए की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आर ड्राइड एंड स्पिन ड्राइड्स बाय एक्शन ऑफ़ देखो वॉशिंग मशीन के अंदर तब कपड़े कपड़े डाले जाते हैं और कपड़े धुलते कारण किसके कारण बताइएगा चलिए फटाफट बताइएगा विल बी योर राइट आंसर आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा फ्यूगल होगा कि होगा कि सेंट्रल फोर्स होगा तो आपको बताया किसके कारण होता है ये सेंट्री के कारण ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉट सेंट्रिपिटल सेंट्रिफ्यूगल होगा देखो सेंट्रिपिटल क्या होता है जो सेंटर की तरफ फोर्स लगे वो क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल होता है और जो अवे फ्रॉम द सेंटर सेंटर से बाहर की तरफ लगे तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है और यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना कि सेंट्रीपिटल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है फिजियोथेरेपी कीमोथेरेपी ठीक है आपको फिजियोथेरेपी कहा जाता है इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर साइकोथेरेपी के नाम से जाना जाता है so that is not as the इसको किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है आपका कीमोथेरेपी के नाम से सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड ऑयल लैंप देखो जो

राइट right आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा ठीक है सरकार चल बढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मलेरिया आपको बताना है इनमें से कौन है जो मलेरिया फैलाता है इंसेक्ट के कारण होता है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ या फिर वायरस के कारण तो आपको पता है मलेरिया क्या है एक प्रोटोजोअल डिजीज है अगर हम मलेरिया की बात करें अच्छा मार्बल कह रहे हैं मैम आप रोज प्रॉमिस करते हैं पर पीडीएफ नहीं देते क्यों अच्छा मार्बल पीडीएफ मिलेगी 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 बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी पिंक प्रॉमिस मिलेगी आज क्लास के तुरंत बाद मिलेगी आपको पीडीएफ डोंट वरी तुरंत बाद सबसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगी उसके बाद आज कुछ भी होगा इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टू द एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिन यूरिन के अंदर एक कौन सा असामान्य तत्व होता है कैराटिन यूरिया यूरिक एसिड या फिर कीटोन बॉडीज की अगर हम बात करें तो देखो कैराटिन कैराटिन कहाँ पर होता है कैराटिन हमारे बालों में होता है जानवरों के बालों में हेयर्स के अंदर हमारे नाखून के अंदर होता है अगर मैं नील्स की बात करती हूँ ये जो है ये हमारे नाखून के अंदर होता है नाखून के अलावा हम लोग बात करते हैं जानवरों के खुर के अंदर होता है और जानवरों के खुर के अलावा किसके अंदर होता है जानवरों के सींग के अंदर होता है इन सभी चीजों के अंदर ये होता है बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी परेशानी मुझे जल्दी बताइए गया मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रहने दो मैम क्या करेंगे पीडीएफ का ओके okay, सरकार ठीक है मार्वल आज सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी डोंट वरी आज सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेंशन मत लो आप ठीक है भाई ठीक है बड़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा देखो एक चीज यहां सुनिएगा अगर हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो यहां से एक बीमारी हमारे शरीर के अंदर होती है जिसको हम क्विट्स कहते हैं गठिया रोग आपने गठिया रोग के बारे में सुना होगा ना जितने भी एडल्ट्स होते हैं यानी कि ओल्ड एज पीपल की अगर हम बात करते हैं एडल्ट एज के बाद जैसे ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है ठीक है चलिए तो बॉयस बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट चलिए बताइएगा जो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू द सर्टेन ह्यूमन ब्रेन की एफिशियंसी को पता करने के लिए टेंटेटिव एज के लिए टेंटेटिव हाइट के लिए या फिर ड्रग एडिक्शन के लिए ठीक है बोन ऑसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं ठीक है बताइए जल्दी से गुड वाला गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग सतीश आर्या जी वेरी वेरी गुड इवनिंग राम आगे पिंकी कौन है मैम <laughs> पिंकी कौन है पिंकी कहां गई भाई <laughs> कहा पिंकी को याद कर रहे हो चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपसे पूछा जा रहा है चलिए so right right सो बात, बात, कर बात करें, ठीक है भाई किसलिए पता किया जाता है ये tentative age का पता लगाने के लिए उम्र का पता लगाने के लिए इज इट ओके सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर Right uh, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहला हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है ये एक ऐसा स्टेट रहा है भारत का जो सबसे पहले कार्बन मुक्त बन चुका है ठीक है बताइएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दैट विल बी हिमाचल प्रदेश ठीक है बी फोर बाहुबली बिल्कुल सही था इससे पहले क्वेश्चन का आंसर इसका ए फोर एप्पल है ठीक है ए फोर एप्पल वॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वेन सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली ठीक है सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि एन एच सी ओ थ्री को अगर आप हीट कर दो तो, तो यहां पर क्या बनेगा एन ए जल्दी बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है ठीक है यहाँ पे किसकी सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है या फिर किसकी फॉर्मेशन होती है तो अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर एन एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर देखो करते क्या है सोडियम कार्बोनेट को एनए थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट को एनए थ्री को हीट किया इसको जैसे ही हीट करते हैं यहां पर फॉर्मेशन किसकी होती है NaOH की प्लस यहाँ से क्या होगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड तो ये हम देख ही चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्यूबर थ्रू क्यूलोसिस की अगर हम बात करते हैं किसके थ्रू किस तरीके की बीमारी है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है हवा के द्वारा फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ब्लड ट्रांसमिशन के कारण फैलता है कंटामिनेटेड वाटर या फिर सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के कारण तो जो ट्यूबर क्लोसिस है ये कैसा है आपको ड्रॉपलेट इंफेक्शन में इसको माना जाता है ट्यूबर क्लोसिस की अगर हम बात करते हैं ठीक है ड्रॉपलेट यानी कि वाइवी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण टीबी होने के चांसेस होते हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर के कारण या फिर अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण ट्यूबर क्लोसिस सो ऑप्शन नंबर एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसको कहा जाता है वाईवी वायु जनित रोग इसको कहा जाता है हवा के द्वारा ये फैलता है ठीक है चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेंड इन द नेचर सबसे कमजोर सिंगल होता है डबल होता है ट्रिपल होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं सो so, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कंपैरेटिवली इनमें सबसे हो वीक होगा चोके okay? चलो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कहानी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे व्हेन अ स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड स्कैटर होगी या फिर बोथ रिफ्लेक्शन और स्कैटर दोनों होगा या फिर नन ऑफ दिस कभी भी अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू जो है लाइट का ट्रांसफर लाइट अगर ट्रैवल करती है तो ये तुरंत स्कैटर कर जाती हैं यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर स्कैटरिंग होती है देर विल बी द स्कैटरिंग और ठीक है रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग uh, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग होती है सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर स्कैटरिंग होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका दैट इज आंसर आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन फॉलोइंग इज द मोस्ट बेड कंडक्टर आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बुरा कंडक्टर है ठीक है आयरन लेड सिल्वर या फिर गोल्ड की अगर मैं बात ठीक है आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सबसे बुरा है ये आपको बताना है आयरन लेड सिल्वर या फिर अगर मैं गोल्ड की बात करूं सो दैट विल बी द लेड सबसे बुरा कंडक्टर ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं ठीक है

नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर है द फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ ठीक है आग को आग से बचाने वाले जो कपड़े होते हैं किसके बने होते हैं से, से बनाए जाते हैं या ये किससे बनाए जाते हैं बेसिकली ये एसबेस्टस से बनाए जाते हैं हाँ जी ये जो क्वेश्चन है मोटिवेशनल वीडियो ये ऑलमोस्ट सारे आपके प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस और साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हैं आपके ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड गैस बीन गिवन बाय देखो जो डिफ्यूजन ऑफ गैस है ये के द्वारा दिया गया है एवोगैड्रो या फिर ग्राम या फिर ऑफ दिस दिस इज द बॉयल्स किसके द्वारा डिफ्यूजन लॉ जो है ये बॉयल्स के द्वारा दिया गया है ठीक है इट इज गिवन बाय द बॉइल्स के द्वारा दिया गया है दीपक ऐसा कुछ नहीं है दीपक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है द केमिकल विच इज यूज इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कैन कोज एनिमिया एंड लुकेमिया आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बताना है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज में लिया जाता हो जिसके कारण से हमारे शरीर में एनिमिया और लुकेमिया जैसी बीमारी हो सकती है सो दैट इज बेनजीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ये कौन सा होगा आपका बेनजीन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटीएम ठीक है आपको बताना है वन एटीएम इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं कितना होता है अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर की आपकी बात की जाए वॉट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटीएम आपको बताना है कितना होता है बताइएगा वन एटीएम चलिए दैट इज वन पॉइंट जीरो वन थ्री वन की अगर हम बात करते हैं या फिर वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू दावर फाइव होता है ठीक है या फिर टेन टू दावर एट या फिर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी सचिन चौधरी मैम आई

पास्कल की अगर हम बात करते हैं इतना पास्कल प्रेशर होता है 1 atm की अगर बात की जाती है यूनिट आपको ध्यान में रखना है यूनिट क्या है इसकी यूनिट है पास्कल जिसको हम pa से डिनोट करते हैं दैट इज पास्कल ठीक है चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के अरे भाई हैंग कर गया देखो चल नहीं रहा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स वायरस डिस्ट्रॉय अगर हम एड्स वायरस की बात करते हैं जो एड्स वायरस है किसको डिस्ट्रॉय करता है मोनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है ठीक है न्यूट्रोफिल को डिस्ट्रॉय करता है को या फिर अगर हम लिंफोसाइट की बात करते हैं सो so, जो एड्स वायरस होता है दैट द ये किसको डिस्ट्रॉय करता है ये आपके लिंफोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है दैट विल बी ब्रेकिंग द लिंफोसाइट्स ये सिंपली लिंफोसाइट्स को ब्रेक करता है ओके okay, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट को होनी चाहिए चलो बढ़ेंगे मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले कौन से आते हैं इंसीजर फर्स्ट वन इज इंसीजर जिसको हम क्या कहते हैं कृतांक ठीक है दूसरे कौन से होते हैं कृतांक के बाद आते हैं आपके कैनाइन केनाइन की अगर हम बात करें यानी कि रदनक रदनक के बाद कौन से आते हैं आपके प्रीमोलर्स आते हैं अगर हम प्रीमोलर्स की बात करते हैं जिनको हम कहते हैं अग्र चोर्णक अग्र की अगर हम बात करते हैं और अग्र चूर्णक के बाद कौन से आते हैं आपके मोलर्स आते हैं और मोलर्स को हम क्या कहते हैं मोलर्स को हम कहते हैं चोर्णक मोलर्स को क्या कहा जाता है मोलर्स को कहा जाता है अगर हम बात करें चौरक ठीक है चुर्ण के नाम से हम मोलर्स को जानते हैं ठीक है भाई आप देखो कितने होते हैं आपसे पूछे जाए इंसीजर कितने होते हैं आठ चार ऊपर चार नीचे के नाइन चार दो ऊपर दो नीचे प्रीमोलर्स आठ होते हैं मोलर्स कितने होते हैं बारह यानी कि ये हम एक एडल्ट की बात कर रहे हैं एडल्ट के शरीर में कितने होते हैं टोटल बत्तीस दांत होते हैं अगर बच्चों की बात करें बच्चों में आठ इंसीजर चार, चार के नाइन जीरो प्रीमोलर्स और आठ होते हैं मोलर्स बच्चों के अंदर टोटल कितने होते हैं बच्चों के अंदर बीस होते हैं ठीक है बीस बच्चों के अंदर बताइए जल्दी से कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी चलो ये देखो सचिन चौधरी जी कह रहे हैं कि मैम एक हार्ट हार्ट ब्रोकन साइड ना दो क्या बात है मतलब किसका दिल तोड़ किसका दिल तोड़ रहे हो दिल तोड़ने में किसका बताओ किसका दिल तोड़ रहे हो भाई चलो सो so, बढ़े आगे दीस आर द फोर टाइप ऑफ टीथ अगर आपसे इनका फंक्शन पूछ लिया जाए आपको ना इनका फंक्शंस पता हो, होना चाहिए कि भाई इनके फंक्शंस क्या होते हैं एक बार इसके फंक्शंस पे और नजर डालो देखो इनसीजर का काम होता है कटिंग का इनसीजर का काम किसका होता है कटिंग का होता है किसी चीज को काटना ठीक है नेक्स्ट कटिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं केनाइन का क्या होता है केनाइन का होता है फाड़ना टियरिंग स्टीरिंग की अगर हम बात करते हैं फाड़ना ठीक है इसके अलावा अगर बात की जाती है आपका प्रीमोलर प्रीमोलर का काम क्या होता है ब्रेकिंग तोड़ना किसी चीज को तोड़ देना ब्रेकिंग का काम होता है तोड़ने का काम होता है ठीक है और अगर हम बात करते हैं आपका किसका यहां पर अगर हम बात करें आपके मोलर्स का काम क्या होता है ब्रेकिंग के अलावा इसका काम क्या होता है मोलर्स का इसका होता है आपका ग्राइंडिंग का पीसना ग्राइंडिंग यानी कि पीसना तो ये कार्य हैं। इन कार्यों को आप याद रखोगे ठीक है बेटा इनको आप याद रखोगे चलो ठीक है नेक्स्ट इसके बाद विच प्लांट जॉर्ज मेंडल हैज क्रोज ब्रीड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट जॉर्ज मेंडल ने कौन से प्लांट के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी तो ये कराई थी मटर के पौधे के अंदर क्यों कराई थी देखो मटर के पौधे के अंदर इन्होंने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ठीक है जिसमें कि भाई एक छोटा होता है एक लंबा होता है पोड़ का क, पोड़ का कलर पीला होता है या फिर ग्रीन होता है प, इसमें पोड़ का साइज या तो बिल्कुल स्मूथ होता है या फिर रिंकल्ड होता है फ्लावर या तो पर्पल होता है या फिर व्हाइट होता है ठीक है प्लांट की हाइट या तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो टर्मिनल होती है या फिर वो एक्सियल होती है ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे तो एक इसके मटर के पौधे के अंदर दिए थे वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट अगर आपसे पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो बताइएगा मटर का साइंटिफिक नेम मटर का वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है ये आपको बताना है जल्दी से ठीक है मटर के पौधे को क्यों लिया गया था क्योंकि मटर की जो फसल है ये तीन महीने में तैयार हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लांट्स विच ग्रोस अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इन द डेजर्ट आर नॉन एज जीरो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं जीरो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग टाइप से जिसमें हमने जीरो फाइटास को पढ़ा था कि जीरो फाइटास कैसी कंडीशन में जहां पर लो मॉइस्चर होगा ठीक है इज इट ओके okay? नहीं बच्चों के अंदर बीस होते नॉट 22, बीस होते हैं इज इट <laughs> चलिएगा मेरा भी टूटा कहते चोर चोर मोसेरे भाई दो आशे के एक साथ आगे दिल जले है क्या बात कर दी कोई बात नहीं एक बार सबका टूटता है ना एक बार सबका टूटता है तो दिल है देखो जो चीज टूटने के लिए बनी है वो टूटेगी हालांकि वैसे लोचा आपका केमिकल लोचा होता है दिल से लेना देना नहीं है दिल का कोई काम नहीं है यहाँ पर दिल की कोई कहानी नहीं है कि दिल टूटा है दिल कभी टूटता नहीं है भाई दिल में तो हड्डी नहीं होती तो दिल टूट जाएगा बताया तो था आपको दिल को मांसपेशी है ना एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपकी कंट्रोल में नहीं होता इतना तो प्यारा सा तो ऑर्गन होता है टूटता तो है ही नहीं लोचा तो आपका केमिकल होता है बट कोई बात नहीं प्यार होता है तो कुछ एहसास होते हैं जजबात होते हैं वो जजबात हमारे टूट जाते हैं आप जजबातों की बात कर सकते हैं तो, तो, तूट तो है नहीं कि दिल रुका तो जिंदगी रुक जाएगी जिंदगी पे पूर्ण विराम लग जाएगा वेन वी टच लीव टी नॉट छुई नोट है ना कि भाई टच मी नॉट छुई 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 मुई जो होता है छुई मुई इसके अंदर किस तरीके का मूवमेंट होता है फोटोनास्टिक मूवमेंट होता है ठीक है नाइटनास्टिक मूवमेंट होता है सिस्मो नास्टिक मूवमेंट होता है या फिर कौन सा होता है आपको पता है दैट इज सिस्मो नास्टिक मूवमेंट ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा बिल्कुल सही बात है अंजलि प्यार मोहब्बत धोखा है पढ़ ली बेटा मौका है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल 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 सही बात है <laughs> ठीक है हाँ जी बिल्कुल डेली क्लास लाइव होती है ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर देखो प्यार व्यार सब धोखा है पढ़ले बेटा मौका है प्लांट्स गेट वॉटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी कैपिलरिटी विस्कोसिटी फोटोसिंथेसिस तो कैपिलरिटी के द्वारा केश नलियता के द्वारा पादपों के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और किसके अंदर होता है ये टिश्यू के अंदर अगर हम बात करते का, 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 का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और का क्या, काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई इशू नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है चलो दीज आर द ये थे आपके questions, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था ऑप्शन नंबर बी चलो सो वी हैव डन विद द 25 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने बहुत फास्ट क्वेश्चन कर लिए हैं 25 क्वेश्चंस फटाफट निपटा दे हम ये क्या बात है चलो ठीक है अच्छा प्यार का अलग क्लास लीजिएगा मैम इसमें नहीं हाँ ठीक है केदार कश्यप बिल्कुल कभी लेंगे प्यार की क्लास कभी लेंगे ठीक है जल्दी लेंगे आपका सीएचए से निपटने तो उसके बाद प्यार से शांति से बैठ के फिर प्यार की क्लासे लेंगे ठीक है चलो सो so, मैम आप वर्ल्ड की बेस्ट साइंस टीचर हो अरे थैंक्स अ लॉट सचिन चौधरी जी थैंक्स अ लॉट बहुत बहुत धन्यवाद चलेगा सो थैंक यू सो मच गाइस आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे ये जो 25 क्वेश्चंस का सेट था ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक क्लासेस के क्वेश्चंस को आप लोग कवर करते हुए चलेगा इसके पीडीएफ मैं अभी के अभी आपको शेयर करके जाऊंगी अभी के अभी क्लास के जस्ट तुरंत बाद सो so, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं मिलेंगे कल फिर एक बढ़िया से धमाकेदार सेशन के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बाय टेक केयर थैंक यू सो मच गाइस जय हिंद जय भारत हां जी आईटीसी आई सुनाई सुनाइए बिल्कुल आईटीजी चलिए लव यू ऑल लव यू ऑल बहुत सारा प्यार हमारी डेली क्लास का टाइम हो गया होता है दस से ग्यारह